ये छोटा सा किचन है। मैं ये सेक्टर के अंदर में रह के केला बेचे हूँ, संतरा बेचे हूँ और कार्यक्रम करे हूँ। ये रंग रोगन, हर कमरों का रंग रोगन किया जा रहा है अमित शाह जी के आगमन पर एक प्रकार से। ये जो तब्बर दूर है और काबर पूछा था साथ में जुड़ गए, दो साल ढाई साल में शादी शादी हो गए। हाँ, बड़े महान आदमी आ जाएंगे करके हम तो धन्य हो गए। अब मुला तो ऐसे लगा था वे कि जैसे कृष्ण भगवान के चरण में सुदामा जी तर गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा छत्तीसगढ़ में और दुर्ग में, खासतौर पर राजनीतिक परिदृश्यों में कई तरह के आकलन उसके लिए किए जा सकते हैं। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ सेक्टर 1 स्ट्रीट नंबर 7 और क्वार्टर नंबर 27 के सामने में। ये उषा बार्ले जी का निवास है जो एक पंडवानी गायिका रही हैं और उनकी एक अलग छवि रही है। पद्मश्री के नाम से जो अवार्ड है, जो सम्मान है, वो उन्हें मिला था और साफ तौर पर उन्होंने अमित शाह जी से एक प्रकार का वादा या वचन लिया था कि जब भी अगला दौरा उनका छत्तीसगढ़ या दुर्ग होता है तो अमित शाह जी उनके घर में आएंगे, ऐसा वादा लिया था। तो अमित शाह जी उनके घर आने वाले हैं और उसी लिए जो उनकी सिक्योरिटी सर्विस के लोग हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन के लोग हैं ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे पुलिस फोर्स है। उनका घर आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। उषा बार्ले जी काफ़ी समय से, बचपन से एक प्रकार से पंडवानी गायिका करती आ रही और इस प्रकार से इनका घर है। रंग रोगन किया जा रहा है घर को और चारों तरफ में मीडियाकर्मी बैठे हैं, पुलिसकर्मी बैठे हैं, सिक्योरिटी सर्विस के लोग अलर्ट मोड पे हैं और मेटल डिटेक्टर वगैरह लगाए जा रहे हैं। कल इस तरह से जब अमित शाह जी का यहाँ आगमन होगा तो उस तरह सिक्योरिटी को देखा जाएगा। इनका घर देख लेते हैं एक बार आके। तो ये इस तरह से इनका घर है, घर का रंग रोगन हो रहा है, साफ सफाई हो रही है, ये इस तरह से साफ सफाई हो रही है। किसी और मीडिया चैनल संस्थानों में उषा बार्ले जी अपनी बाइट दे रही हैं, हम भी बाइट लेंगे और उनकी भावनाएं आप तक पहुंचाएंगे। ये इस तरह से इनका घर है, साफ सफाई हो रही है। भाजपा के नेता यहां पर बैठे हुए हैं और उन्हें उनका प्रोत्साहन करने के लिए यहां पर आए हुए हैं, आज बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं। और अमित शाह जी कल का दौरा है उसका, उनका घर आपको और दिखा देते हैं। ये छोटा सा किचन है। अब आप सोचिए कि पद्मश्री प्राप्त जो लोग हैं, शख्सियत हैं, जो महान जिन्होंने अपने बोलना चाहिए सामर्थ्य से समाज और देश के लिए काफ़ी कुछ किया, ये छोटा सा निवास है और इसी निवास में वो रहती हैं और सम्मान उन्होंने बहुत बड़ा पाया है। और ये सबसे बड़ा सम्मान हो रहा है कि अब अमित शाह जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं कल। और इस तरह से इनका मकान है, मकान के दूसरे हिस्से भी आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से कमरे हैं और इन कमरों में रंग रोगन किया जा रहा है, पेंट के डब्बे पड़े और इस तरह से ये रंग रोगन, हर कमरों का रंग रोगन किया जा रहा है अमित शाह जी के आगमन पर एक प्रकार से। ये एक सौगात उन्हें मिल रही है कि घर एक प्रकार से नया बन जाएगा, घर एक प्रकार से पूरी तरह से रंग रोगन किया जाएगा। सिक्योरिटी सर्विस के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। उषा बार्ले जी का घर, चूंकि अमित शाह जी आने वाले यहाँ पर, काफ़ी संजीदगी से उनकी साफ़ सफाई, रंग रोगन और पोताई की जा रही है। और मेरे साथ में एक भाई हैं जो उन्हें काफ़ी समय से, जब से वो पंडवानी करती आ रही थी तब से जानते हैं। भाई कब से जानते हैं उषा बार्ले जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बसंत बंजारे है, ग्राम डुमर डुबतई से। अच्छा। और मैं जब से पंथी नृत्य में जाने चालू किया हूँ तब से उसको जान रहा हूँ और फैन हूँ उसका, उससे गाना ही बहुत ही दिल को छूता है। कैसे करती थी जैसे पंडवानी गायिका, और भी लोग हैं, और भी लोग पंडवानी के जो कला संस्कृति है उसको मतलब प्रेजेंट करते थे, उनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो कैसा रहता? प्रेजेंटेशन का तरीका यह है कि कलाकारों का एक आर्थिक, जैसे हम लोग मंच में उतरते हैं तो हम लोग एक ग्रुप टोली बनाकर उतरते हैं और मतलब आप उस ग्रुप का हिस्सा रहे हैं? हाँ। अच्छा। मैं पंथी पार्टी का वादक हूँ, मंदर वादक। अच्छा। हाँ। और ये हमारे उषा जी से चलते हैं हम, उसे गाने को देखकर हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते ही जाएंगे। अभी जैसे आपको, जैसे आप लोगों की इतने साल की तपस्या है, एक प्रकार से समझिए तपस्या का परिणाम मिल रहा है। आप भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, यहाँ उनका घर रंग रोगन कर रहे हैं, अमित शाह जी यार कैसा लग रहा है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में ऊपर से भिलाई में इतने साल का संघर्ष इनका और आप लोग का भी, और कल आज अमित शाह इनसे आगे मिलेंगे, बहुत बड़ी हस्ती हो गई वो। अब ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा बिहार चमका, मेहनत का प्रतिफल मिला, मतलब मेहनत का प्रतिफल मिला, हमारी गायिका है, मेहनत का प्रतिफल मिला, भिलाई इलाके को।
कार्यक्रम की तैयारियां कैसे होती थी, कितने साल से वो कब से कर रही थी ये सब कार्यक्रम वगैरह? मेरे जानकारी में तो 18-19 साल हो गए जानते हैं। और इतना ही कह सकता हूँ 18 साल से जान रहा हूँ उसको, टीवी में देखा हूँ, कलाकार देखा हूँ और फेस टू फेस दो बार मिला हूँ, एक अभी ये हाँ और एक मंच में कार्यक्रम होता था वहाँ पर। तो इस प्रकार से उनके साथ जुड़े हुए लोग और साफ तौर पर उनका रंग रोगन भी कर रहे हैं घर को काफ़ी समय से, और ये उनका घर है, ये छोटा सा घर जो BSP का एक मकान है और काफ़ी कुछ बोला चाहिए जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन इसको आज रंग रोगन करके पूरा नया बनाया जा रहा है। और चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है इसलिए सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए काफ़ी कुछ बड़े पैमाने पर यहाँ फोर्स डिप्लॉय की गई है और काफ़ी बड़े सघन पैमाने पर यहाँ पर जो तैनाती है जवानों की वो है। उषा बारले जी इस वक्त मेरे साथ में है और साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल इनके घर आने वाले हैं और साफ तौर पर उन्होंने एक वादा लिया था और अमित शाह जी ने यह वादा किया था कि जब भी वो भिलाई या दुर्ग जिला आते हैं इनके घर जरूर आएंगे। आपका संघर्ष थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को, जो लोग आपको जानते तो बहुत लोग हैं लेकिन जो नहीं जानते उनके आपकी संघर्ष के बारे में बताएंगे कि पंडवानी कैसे जुड़ी और शुरुआती दौर और शुरुआत में पारितोषिक जो मिलता था वो कैसा? भैया बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार। हमारे जम्मू जनता जनार्दन मल्लम हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूँ। संघर्ष तो बहुत करे हूँ और ऐसे मोर संघर्ष ला हमार भिलाई के हमार छत्तीसगढ़ के ऐसे कोई भी ऐसे आदमी नहीं हुई कि जो नहीं जानत हुई, मोर संघर्ष ला सब जाना थे। मैं ये सेक्टर के अंदर में रह के केला बेचे हूँ, संतरा बेचे हूँ और कार्यक्रम करें और जन सेवा करें और अभी तक जन के सेवा करते चाहत हूँ। मोर जीवन है तो सेवा करते करते ही बीता थे और बीत ही अहो धन्य भाग्य कि मैं कौन जन्म में पुण्य कमाए रहे हूँ तो आज मोर भाग्य उदय हो गए। ये साल 2023 में पद्मश्री से बोला सम्मान करी से केंद्र सरकार हाँ बोला भी बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ और ये पद्मश्री के सम्मानित लोग सुन के हमारे देश के महान हमारे भारत के महान मतलब कह जाए गृह मंत्री जी जो ना आज छत्तीसगढ़ में उषा बारले के घर में आए के वो अपन मन में विचार रखीस एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मोला तो ऐसे लगत हवे कि जैसे कृष्ण भगवान के चरण में सुदामा जी तर गए आज मैं इकर मन के चरण में मैं तर गए हूँ और तरे पर जाता हूँ। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मोर घर में सगा आवा थे और वो सगा के जैसे मोर गरीब की कुटिया से बनी दाल चावल बासी नून चटनी और हमारे जो तिहार में हम जो पावन पर्व बनातन ठेठरी खुरमी अरसा आप ले कोई डिमांड करेगा हमेशा नहीं, नहीं 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 मोलो कोनो डिमांड नहीं करे नहीं, तो जैसे मोर घर में कुछ खवावे मैं घर नहीं, नहीं, तो। मोलो कुछ डिमांड नहीं करे जैसे मोर से बनी मोर गरीब की कुटिया में हमारे जो त्यौहार में बनाथन पकवान वो खिला के मैं मान सम्मान करी हूँ अलवा जलवा मोर गरीब के हिसाब से। आप बता रहे हैं दीदी कि आपका संघर्ष जीवन में सब फल वगैरह बेचने से बीता और उसके बाद पंडवानी का जो गायन है उससे कैसे जुड़ गई अचानक से कि ये जो बड़ दूर है और काबर पूछा था थोड़ा सा बता दो दर्शकों को। मैं बचपना से 7 साल की उम्र से पंडवानी गाता हूँ, 2 साल 2.5 साल की उम्र में मोर शादी हो गए, मोर पति देव घरों भी मोर साथ में जुड़ गए। 2 साल 2.5 साल में शादी हाँ, शादी हो गए हाँ अच्छा। 2.5 साल की उम्र में मोर शादी हो गए जब मैं 2.5 साल बाल विवाह मोर मैं 2.5 साल के रहे हूँ और मोर जो पति जी रही से 5 साल के रही से मैं बलात हूँ। कहाँ गौना कौन साल में हुए? गौना कौन साल में? 14 साल के बाद में ससुराल आया हूँ ठीक है। और ओकर बाद जो हमारे मन के दोनों जन के जो संघर्ष चला थे तो हमन पहली पंथी पार्टी चलात रहे 25 लड़की 25 लड़का लड़का के दल में बारले जी गाना गात रही से लड़की के दल में मैं गाना गात रही हूँ। ऐसे ऐसे हमारे जो कार्यक्रम है बढ़ते क्रम की ओर रही से हर जगह पहला इनाम पावत रहे हैं ठीक है। ओकर बाद में अब लैका मन की उम्र बढ़ गए मोर भी उम्र बढ़ गए 14-15 साल के हो गए हूँ। अब लैका मन की भी उम्र बढ़ गए तो सबके शादी पर ब्याह हो गए तो सब यती तेती छरी आ गए अब मैं बच गए हूँ तो मैं कहूँ अब क्या करना चाहिए तो फिर मैं थोड़ा बहुत पंडवानी सीखी हूँ कहीं के मतलब वही 7-8 साल की उम्र से मैं पंडवानी के भी लाइन करत रहे हूँ पंथी भी गावत रहे हूँ। ये हमारे बारले जी है जो हमारे हर बरसात पानी में भरी धूप में घाम में रात में बिकाल में हमार संग में साथ देवत है। सबसे बड़े ज़्यादा तो हम धन्यवाद हमारे पति देवतन काबर ये हम लोग साथ नहीं देती हमारे संग में नहीं जाती तो हम अतका दूर कहाँ आते। कैसे बारले जी कैसे लगा थे आज काली आई गृह मंत्री जी? जी 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 बहुत बढ़िया लग रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में इतने छोटे से कुड़िया में इतने बड़े महान आदमी आ जाएंगे करके। हम तो धन्य हो गए उनके आने से और पूरे भिलाई वासी नगरवासी मोहल्ले सब धन्य हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सब बहुत खुश हैं इनकी व्यवस्था को देखकर और अब व्यवस्था भी चल रहा है और आगे अच्छी व्यवस्था
से चलेगा। इस देश में जैसे पंडवानी गायन छत्तीसगढ़ राज्य तक ही मेरे ख्याल से ज़्यादा उसका वो आगे विदेशों तक है नाम, लेकिन बहुत से लोगों को आज जैसे दिल्ली बॉम्बे के मेट्रो सिटी में लोगों को पूछे पंडवानी क्या होता नहीं बता पाते, तो ऐसे देश को और ऐसे सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में समझा और इनके संघर्ष को उतनी दूर रहते हुए महसूस कर लिया, आप बताएंगे मेरे ख्याल से। पंडवानी का कहते बोला नहीं जब मैं बता था, पंडवानी महाभारत एक बुक है पुस्तक, वो महाभारत के बुक के पुस्तक के जो लिखा रहता है ना कौरव पांडव कुंती गंधारी जितना भी वो में लिखावट रही थे जो दिग्गज बुजुर्ग लोकमन के, वो एक प्रकार के धरोहर बन चुका है पुस्तक में। वो महाभारत की पुस्तक के जो शैली जो पुस्तक स्तुति के तरीका है हाँ ओला पढ़ पढ़ के मन अपन हिसाब से अपन गाना में अपन संगीत में ओला ना सुर श्रृंगार दे के ओला सजाथन ओकर सती बोला पंडवानी कह दे और पांडव के वानी ला अपन अपन वानी में संघेर के गावा थन एला के थन पंडवानी। अभी नागपुर में मैं कम से कम 40 जन लेकर सिखा बर गए रहे हूँ, 15 दिन के नागपुर वाले भैया मन ना ट्रेनिंग करे रही से कार्यशाला लगाए रही से इस मेके वाले मन तो वहाँ मस्त कार्यक्रम दे और फिर 40-45 लड़का ला पूरा सिखाया हूँ और वो लड़का मन को बिहार से कोनो उड़ीसा से कोनो भुवनेश्वर से कोनो वहाँ आसाम से गुवाहाटी से कोटा से राजस्थान से मतलब कई राज्य से लेकर आ रही है। मतलब जैसे कल ए गेट से आई, ए गेट से आई अमित शाह जी, ए गेट से आई, तो जैसे ए गेट से प्रवेश करी तत्कालिक जो आपके वो प्रतिक्रिया रही वो किसी रही का रही? अब आही तब मान सम्मान करबो, आरती उरती पूजा करेंगे, चरण बनाबो, खाना वाना पूछबो, खाना वाना भी हम सब छेटरी खुर में रखें थे सब खवाबोगा। चलिए बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है, इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को न सिर्फ सम्मानित किया गया बल्कि आज केंद्रीय होम मिनिस्टर का इस तरह से एक घर पे और ऐसे घर पे विजिट करना और उनके प्रोत्साहन को उनके मनोबल को बढ़ाना ये अपने आप में गर्व की बात होती है और हमें भी ये चीज़ें गर्व से प्रफुल्लित कर रही हैं कि इन्हें जो इनका संघर्ष है उसकी परिणति उसका परिणाम आज इस तरह से मिल रहा है कि इनकी एक छोटी सी कुटिया है छोटा सा घर है वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री जिनकी अच्छे अच्छे लोग उनको बुलाते रह जाते हैं अच्छे अच्छे लोग उनको छूना महसूस करना चाहते हैं लेकिन वो उनसे हो नहीं पाता यहाँ वो स्वयं घर आने वाले हैं और यहाँ पर कल क्या होता है आपको जरूर बताएंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।